मनाली के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीजा ने मिलत इस्लामिया अभी मैंने खुतबे मसूमा के बाद जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला कलाम पाक के दूसरे बारे में और दूसरे ही सफ़े में फरमाता है, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह के राह में शहीद किए गए उन्हें तुम मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं और हमें उनकी ज़िंदगी समझने के लिए हमारे पास शऊर नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में और फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, जो अल्लाह के राह में शहीद किए गए उनके बारे में तुम मुर्दा ये ना सोचो कि वो मुर्दा है, सोचो भी मत कि वो मुर्दा है बल्कि वो जिंदा है। दूसरे बारे में फरमाया कि वो जिंदा हैं और यहाँ पे रब तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुम अपने दिमाग में गुमान भी मत लाना, सोचना भी मत कि जो अल्लाह के राह में शहीद किए गए वो मुर्दा हैं बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब की तरफ से रोजी पाते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये महीना भी आप तमामी हजरात को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ढोल तासे से ही जान जाते हैं महीना कौन सा महीना है, ये महीने बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। मैं कल तफरी के लिए इसीलिए कल जो जुलूस निकला था सतही में आया था, मैं देखूं कितने हजरात हुसैनी वाले हैं और कितने यजीदी वाले हैं। ढोल तासे का तो मकसद मेरा था ही नहीं, बस ये देखना था हुसैनी कौन होंगे यजीदी कौन होंगे। माशाल्लाह हुसैनी भी थे और यजीदी भी थे, मगर मैं अपने तरफ से कैसे कह दूं यजीदी हैं। बस इतना आप जान लें कि करबला में दो काम हुआ था, एक नमाज था और एक ढोल तासे था। आप अपने दिल पर हाथ रख के बस इतना सोच लें कि मैं यजीदी की तरफ से था तो ढोल तासे वाला था, और आप अगर हुसैनी की तरफ से थे तो आप सोच लें आप नमाज वाले हैं। तो अगर आप नमाज वाले नहीं हैं ढोल तासे वाले हैं तो अपने आप को यजीदी खुद कह लें। मैं क्यों कहूँ, अपना जबान क्यों गंदा करूँ। बहरहाल इससे पहले मैंने आपको यजीदी क्या उसका माफी चाहता हूँ, मगर आप सोच लें करबला में दो काम हुआ है, एक नमाज हुई है और दीन की बका बचाने के लिए इमाम हुसैन ने 72 नफूजात करबला को साथ ले जाकर के एक एक करके अल्लाह के राह में इसलिए शहीद कर दिए कि इस्लाम की बुनियाद यहाँ से चमके और कयामत तक चलता रहे। मगर आज हमने उसका तमाशा बना के रख दिया है। अगर हुसैन से मोहब्बत सीखना चाहते हो, हुसैन से मोहब्बत कैसे किया जाए, तो हदीसों का मुताला करो। नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की अलबत्ता उसने मुझसे मोहब्बत की और मेरे रब से मोहब्बत की। तो अगर आप हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं तो हदीसों में जाएं, देखें नबी ने कहीं और फरमाया हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और एक जगह और फरमाते हैं हसन हुसैन मेरे दो फूल हैं, इनसे जो मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। और एक जगह आका फरमाते हैं हुसैन हसन हुसैन से मोहब्बत कर क्योंकि जो हसन हुसैन से मोहब्बत करता है मेरा रब उससे मोहब्बत करता है, और जो हसन हुसैन से बुग्ज रखता है अल्लाह तबारक ताला उससे बुग्ज रखता है। बहरहाल मेरा बयान ये था कि मैं अहले बैत की मोहब्बत आपके समातों के हवाले रखूंगा। हजरत आएंगे, हजरत आपको करबला का बयान बताएंगे। मैं बस इतना वक्त लेकर आया हूं कि आप तमामी हजरात को इतना समझा सकूं कि अहले बैत से मोहब्बत कैसे की जाती है और अहले बैत से मोहब्बत करने का फायदा क्या होता है। क्योंकि मेरे आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मैंने कलाम पाक की जो तिलावत की है उसमें शहीद का जिंदा होने का सबूत दिया है। एक मरतबा और आप जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें ताकि पता चले कि आप हज़रात सुन भी रहे हैं। पढ़िए दबावा ज़बरन दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम जो जुलूसों में काम करते हैं वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, जितना मैंने कल देखा है वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं है। बुजुर्गान दीन हमें सिखाए कैसे है कि अहले बैत का मोहब्बत कैसे की जाती है। आला हजरत के छोटे बेटे मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि उनका एक मुरीद था जो अपने दोस्त से कहने लगा, मेरे पीर जो है बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती आज़म हिंद हैं, जो हिंदुस्तान में अगर अपने कलम को उठा करके कोई फतवा दे दे तो हिंदुस्तान का कोई आलिम उनके कलम के आगे बोल नहीं सकता। तो उनका दोस्त कहने लगा मुरीद से कि तुम सुन्नियों का मसला ही बहुत है, आप आज़म कहते हो तो इमाम आज़म कह देते हो, आप मुफ्ती कहते हो तो मुफ्ती आज़म हिंद कह देते हो, आप जब आला हजरत कहते हो तो आला हजरत कह देते हो। तो वो दोस्त कहने लगा मुरीद नहीं, सच में मेरे मुफ्ती बहुत बड़े मुफ्ती हैं, उन्हें लकब मिला है मुफ्ती आज़म हिंद का। तो उसका दोस्त कहने लगा अगर तुम्हारे पीर सच
में बहुत बड़े आलिम है, तो चल मुझे ले चल उनके पास, मैं उनसे एक दो सवाल करूंगा, उससे पता चल जाएगा वो कितने बड़े आलिम है और उन्हें लकब कैसे मिला है। वो मुरीद अपने दोस्त को लेकर आता है मुफ्ती आजम हिंद के घर के पास, घर में जाता है, मेहमान रूम में मुफ्ती आजम हिंद आराम फरमा रहे थे। वहां पर जाने के बाद अर्ज करता मुरीद, हुजूर मैं आपकी जियारत के लिए आया हूँ, आप मेरे सलाम को कबूल फरमा लीजिए और नजर करम इधर फरमाइए, मेरा एक दोस्त आया है जो रास्ते में कहता हुआ आ रहा था कि मैं तेरे मुफ्ती साहब से ऐसा सवाल पूछूंगा वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इतना सुनना था मुफ्ती आजम हिंद सलाम लेने के बाद अर्ज कहते हैं कि क्या सवाल है, बताओ मैं उसका जवाब देता हूँ। तो मुरीद का दोस्त कहता है हुजूर आप मुझे बस इतना बता दीजिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम क्या हैं। जब इतना सुना मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने, तो आप हजरात को मालूम है कि मेहमान रूम में दो दरवाजे लगे हुए होते हैं, एक बाहर से एंट्री के लिए होती है और एक दरवाजा घर में जाने के लिए होता है। जब वो शख्स ने मुफ्ती आजम हिंद से सवाल किया कि आप बताइए हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम क्या है, इतना सुना मुफ्ती आजम वहां से उठ खड़े हो जाते हैं और जो दरवाजा घर के अंदर खुलता है उसके अंदर चले जाते हैं। आप हजरात के किसी पर इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है मगर उसकी तारीफ करना बड़ी मुश्किल होती है। अभी वो अंदर जा ही रहे थे तब तक वो मुरीद से उसका दोस्त कहने लगा देखा मैंने एक सवाल पूछा है, तुम्हारे मुफ्ती साहब अंदर किताब देखने जाने लगे, वो अंदर देख कर बताएंगे कि नबी की बेटियों का नाम क्या है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मुफ्ती आजम हिंद घर के अंदर से बाहर आते हैं तो वो मुरीद क्या देखता है, मुफ्ती आजम हिंद अपने सर पर साफा बांधे हुए हैं और उनके दाढ़ी के बालों से पानी के कुछ कतरे निकल रहे हैं। करीब आते हैं और फरमाते हैं मुफ्ती आजम हिंद मैं वजू करने चला गया था, क्या करूं, तुमने ऐसे पाक घर का नाम पूछ लिया है जिस पाक घर का नाम लेने से पहले मेरी जिंदगी तकरीबन 50 साल की हो चुकी है, आज तक मैंने अहले बैत के किसी शख्स का नाम बिना वजू लिया ही नहीं, बिला वजू मैंने आज तक नाम नहीं लिया है, आज शराब पीकर ढोल ताशे बजाते हुए हम नजर आ रहे हैं, आज हुसैन पाक का नाम लेकर नारा लगाने वाले हम हैं जो शराब के नशे में होते हैं अपनी बहन बेटियों को नंगा नाच दिखाने के लिए, ढोल ताशे का तमाशा दिखाने के लिए आज हमने अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा जुलूस में भेजना चालू कर दिया है। खुदा की कसम अगर अहले बैत से मोहब्बत करना चाहते हो, अहले बैत से मोहब्बत सीखना चाहते हो तो आओ मैं आला हजरत का घराना बताऊं। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं आज तक 50 साल की उम्र गुजर चुकी है, अहले बैत के किसी शख्स का नाम मैंने बिला वजू नहीं लिया है। जो मुरीद का दोस्त आया था कहने लगा हुजूर ये वजू क्या है, मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं क्या करूं मेरे भाई, मेरे बाबा ने सिखाया है कि तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। तो नूर वाले का नाम लेने के पहले मेरा ये अकीदा कहता है, मेरा ये दिल कहता है कि मैं पहले बावजू हो जाऊं उसके बाद अहले बैत का नाम लूंगा। इसी तरीके से मेरे आला हजरत मुजद्दीदे दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेली अली रहमतुल्लाह रिजवान किसी प्रोग्राम में तशरीफ ले जा रहे थे। पहले हिंदुस्तान का एक रिवाज हुआ करता था उलमाओं को डोलियों में उठा करके ले जा करके ले जाया जाया करता था। जब आला हजरत जाने लगे रास्ते में उनकी डोली के जो मजदूर उठाए थे आला हजरत उनको हुक्म करते हैं मेरी डोली को नीचे रख दिया जाए। डोली जब नीचे रख दिया गया बाहर निकलते हैं मेरे आला हजरत फरमाते हैं मुझे ये बताओ इन चारों में से नबी का खून कौन है, अहले बैत में से कौन है। जब किसी ने जवाब नहीं दिया मेरे आला हजरत फरमाते हैं तुम्हें कसम है मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुझे बताओ इसमें कौन नबी का खून का है, नबी के घर का है। तो उसमें का एक बहुत कमजोर जो मजदूर था वो आता है हाथ जोड़कर कहता है हुजूर मैं नबी का खून हूँ मगर काम के लिए मजदूरी के लिए कभी जात पात नहीं पूछी जाती है, कभी धर्म नहीं पूछा जाता है। आला हजरत फरमाते हैं शाह जी आपने क्या कर दिया, मुझे ही अपने कंधों पर उठा लिया। इतना कहकर आला हजरत अपने साफे को अपने पगड़ी को उतारते हैं, उठा करके उस अहले बैत के घराने के जो नबी के खून के थे इमाम हुसैन के घराने से थे उनके कदमों में अपने साफे को रख देते हैं। कहते हैं शाह जी आपने कितना बड़ा काम कर दिया कि आपने मुझे अपने सर पर उठा लिया, आपके नाना के ही नाम पर मैंने आज तक खाया है, आपके नाना के ही नाम का शेर लिखकर आज अहमद रजा आला हजरत बना हुआ है, आपने ही मुझे अपने कंधों पर उठा लिया है। इतना जब सुना ना वो सैयदजादे ने साफे को उठाकर कहा हुजूर आप तो आला हजरत हैं, आप मुझसे माफी मांग रहे
हैं। आला हजरत फरमाते हैं कसम है आपको मुस्तफा जाने रहमत की, इसी वक्त आप मुझे माफी दे दें। वो सैयद ज्यादा फरमाते हैं हुजूर आप आला हजरत हैं, आपको माफी की जरूरत नहीं है। आला हजरत फरमाते नहीं, इससे अब काम नहीं चलेगा। अब आप डोली में बैठिए, उठाने वाला एक साइड से अहमद रजा होगा, दूसरे साइड से हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा होंगे, तीसरे साइड से बुखारे शरीयत की शरह लिखने वाला फखरुद्दीन होगा, और चौथे साइड से बहारे शरीयत लिखने वाला अमजदी होगा। और उठा करके जब लेकर जाने लगे हसन रजा का कलम, बोल उठा बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दे ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। आला हजरत ने हमें सहाबा से अहले बैत से मोहब्बत करके बताया है कि हमें अहले बैत से मोहब्बत कैसी करनी चाहिए, मगर आज हमने अहले बैत के मोहब्बत के नाम पर तमाशा बना के रख दिया है। मेला करने हम मुहर्रमुल हराम के महीने में आया करते हैं, ढोल ताशा हम मुहर्रमुल हराम के महीने में बताते हैं। आप हजरात कान खोल के सुन ले, मेरी औकात कोई नहीं है, मगर जब हदीसों का मुताला करेंगे, जब कुरान की तिलावत करेंगे, उसमें आपको अहले बैत की मोहब्बत नजर आएगी। अगर आपने जिंदगी में एक मर्तबा भी अहले बैत से बुग्ज जाहिर किया है, अगर आपने जिंदगी में अहले बैत से एक मर्तबा भी बेहुरमती की है, खुदा की कसम मेरा अकीदा कहता है अगर तुम पांच वक्त के नमाजी होगे, तुम्हारी कोई नमाज कजा नहीं हो रही होगी, अगर तुम रमजान मुबारक के पूरे रोजे रखते होगे, अगर तुम हज और ज़कात पूरे करते होगे, मगर कल मैदान महशर में जब अल्लाह के सामने पेशी होगी, जब अल्लाह के सामने हमारी हाजिरी होगी, रब पूछेगा ये बता तू दुनिया से करके क्या आया है, तो अगर आप ये हवाला देंगे कि मैं दुनिया में नमाजों की पाबंदी करता रहता था, तो अल्लाह कहेगा मैंने कुरान में हुक्म दिया था तुम्हें नमाज पढ़ना है, तू कहेगा दुनिया में मैं हज करके आया हूँ, अल्लाह कहेगा मैंने हुक्म दिया था तू हज करके आया है। सारे आमालों को आप पेश करेंगे, सारे आमालों में अगर आप पास हो जाते हैं, मगर आपके दिल में जर्रा बराबर अहले बैत से बुग्ज है, खुदा की कसम तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे, सिर्फ अहले बैत से बुग्ज रखने के नतीजे से तुम्हें उठा करके जहन्नम के आग में डाल दिया जाएगा। अरे मेरे दिल का अकीदा कहता है अगर तुमने दुनिया में नमाजों में थोड़ी बहुत कुताही कर दी होगी, रोजे में थोड़ी बहुत कुताही कर दी होगी, उसके सजा के बाद अगर अल्लाह ताला पूछेगा तू दुनिया से लेकर क्या आया है, तो अगर तुमने ये कह दिया मैं दुनिया में जब तक था अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, तो अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत की मोहब्बत के सदके में तुम्हें जन्नत अता कर देगा। ये शान है अहले बैत की, मगर हम अहले बैत के शान का तमाशा बना के रख दिया हूँ। एक मर्तबा बलख में, बलख शहर जो अरब ममालिक में है, वहाँ पर कहत पड़ गया, वहाँ के सब लोग हिजरत करके समरकंद आने लगे। समरकंद आने के बाद उस कबीले में जो वहाँ से हिजरत करके आए थे, उसमें एक सैयदजादी थी जिनकी तीन बेटियाँ थीं, उनके बेटे कोई नहीं थे, उनके शौहर पहले ही इंतकाल कर चुके थे। जब समरकंद की सरजमीन पर तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद मस्जिद से सटे ही मेहमान रूम बनाए जाते थे, वहां पर के वो सैयदजादी अपने तीनों बेटियों को वहां पर आराम करने के लिए रख देती हैं। ये वाकया मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप सोचें कि अगर अहले बैत से आप मोहब्बत करने वाले हैं तो आपको क्या अजर मिलने वाला है, अगर आप अहले बैत से जर्रा बराबर बुग्ज रखने वाले हैं तो आपको क्या अजर होने वाला है। वो सैयदजादी अपने तीनों बेटियों को उसी मेहमान रूम में आराम करने के लिए छोड़ जाती हैं और समरकंद के गलियों में निकल जाती हैं। कोई बड़ा आदमी, कोई सखी मिल जाता जिससे मैं अपनी परेशानी को बताती कि बलख में कहर पड़ गया है। कुछ दूर के बाद एक मुसलमान सेठ जादे का घर था, वो अपने आप को चौधरी कहा करता था, अपने आप को सखी कहा करता था। वो जो सैयदजादी उसके घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद अर्ज करती है कि मैं नबी के खानदान से हूँ, मैं अहले बैत से हूँ, मैं इमाम हुसैन की खून हूँ, बलख में कहत पड़ गया है, कहत पड़ने की वजह से मैं समरकंद हिजरत करके आ गई हूँ। वो जो मुसलमान था, अपने आप को मुसलमान कहने वाला था, कहने लगा कि आपके पास कोई सबूत है कि आप अहले बैत से हैं, क्या आप किसी को गवाही दिला सकते हैं कि आप नबी के घराने से हैं। जब इतना सुनी वो औरत तो उसके दिल की दुनिया दिल टूट जाता है और अपने आंचल को खोलती है, खोलने के बाद अपने आंसू को पोंछती है, कहती है मेरे पास कोई सबूत नहीं है जिससे मैं साबित कर सकूं कि मैं नबी के घराने को हूँ, फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी हूँ, बहरहाल अल्लाह तुम्हारा भला करे। वो आंसुओं को पोंछ करके जब उस मुसलमान के घर से निकलती हैं, कुछ दूर पहुंचने के बाद एक शख्स कहता बीवी कहाँ जा रही हैं,
उन्होंने अपना सारा माजरा बताया। उन्होंने कहा कि है तो वो जात का यहूदी मगर उसके घर आप चले जाइए, वो ना सखी बहुत ज्यादा है, हाँ वो आग का पूजने वाला है मगर अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है। वो औरत जाती है उस यहूदी के पास, यहूदी के पास जाने के बाद क्या देखती है, बहुत लंबी कतारें लगी हुई है। एक कोने में वो खड़ी होकर इंतजार करने लगती है कि जब सारी कतारें खत्म हो जाएगी तब मैं यहूदी से कहूंगी कि मेरा ये माजरा है। जब सारा भीड़ खत्म हो गया, होने के बाद वो सैयदजादी जाती हैं और उस सखी से उस यहूदी से कहती हैं आप मेरी मदद कर दें क्योंकि बलख में कहत पड़ चुका है, मैं समरकंद हिजरत करके आई हूँ। तो वो यहूदी कहने लगा कि मैंने आपको यहाँ पर पहली बार देखा है समरकंद में, आप कौन है? तो वो सैयदजादी अर्ज करती हैं ये ना पूछे तो बेहतर होगा। तो वो यहूदी कहने लगा अगर आप बता देती तो बेहतर होता। तो वो सैयदजादी अर्ज करती हैं मैं मुसलमानों की नबी की बेटी हूँ। इतना सुनना था वो यहूदी तख्त से खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद कहता है रसूल खुदा की बेटी है? उन्होंने फरमाया हाँ। कहा आपके साथ कोई और है? कहा हाँ मेरी 3 बेटियां हैं। कहा साथ ले लो। साथ लेने के बाद वो अपने घर आता है, घर आने के बाद अपने बीबी से हुक्म करता है ऐ मेरी बीबी जो मेरे घर में सबसे पाकीजा रूम है, जो मेरे घर में सबसे धुला हुआ रूम है, उस रूम को फिर से धुल डालो क्योंकि नबी के लाल आए हुए हैं, नबी के घर की बेटियां आई हुई हैं, फातिमतुज़ ज़हरा का खानदान आया हुआ है। वो यहूदी घर के लोग उनके इस्तकबाल में लग जाते हैं, धुले हुए रूम को फिर से धुलते हैं। फिर सैयद घराने के शहजादियों को उसी रूम में आराम के लिए भेज दिया जाता है। फिर वो यहूदी अर्ज करता हाथ जोड़ के ऐ फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी मेरे घर पर वो प्लेट है नहीं जिस प्लेट में मैं आपको खाना खिला सकूं, उस प्लेट में मैं खुद चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दें मैं बाजार से नए प्लेट ना खरीद कर आ जाऊं। जब यहूदी जाता है प्लेट खरीद कर लेकर आता है, लाने के बाद जो उसके घर में सबसे तैयब पाक खाना होता है उस खाने को बनवाता है और बनवाने के बाद सैयद घराने के पास लेकर जाता है और रो कर कहता है मैं मुसलमान नहीं हूं, मुझे सलीका नहीं है आपका अदब कैसे किया जाए, मगर ये मेरे घर के सबसे तैयब खाना है, इसे आप तनाउल फरमा ले, इसे आप खा ले। और रात में जब मुस्तफा जाने रहमत से बात हो तो मेरी भी अर्जी मुस्तफा जाने रहमत के पास पहुंचा दे, मेरा भी कुछ भला हो जाए। इतना कहने के बाद वो यहूदी चला आता है और अपने बेटे और बेटियों को नसीहत कहता है खबरदार ऊंची आवाज मत निकालना, खबरदार ऊंची आवाज ना निकालना, फातिमतुज़ ज़हरा की बेटियां आई हुई हैं, अगर तुम्हारी आवाज उनके आवाज के ऊपर हो जाएगी तो कल अल्लाह ताला हमें बख्शेगा नहीं। बहरहाल सैयदजादी आराम करती है। इधर वो अपने आप को मुसलमान कहने वाला चौधरी, वो अपने आप को सखी कहने वाला मुसलमान जब रात में सोता है तो ख्वाब में क्या देखता है, जन्नत सजी हुई है, सारे लोग जन्नत में जा रहे हैं लाइन बनाकर कतारें बनाकर। वो मुसलमान कहने वाला अपने आप को उसी लाइन में खड़ा हो जाता है कि रसूल पाक के सदके में मैं भी जन्नत में चला जाऊंगा। जब वो कतार में खड़ा होता है, लाइन में खड़ा होता है, फरिश्ते हाथ को पकड़ते हैं और झटक करके लाइन से निकाल देते हैं तू कहां आ गया है। वो रोने लगता है और दौड़ करके जाता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास, हाथ जोड़कर कहता है या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ, सारे लोग जन्नत में जा रहे हैं मगर फरिश्ते मुझे जन्नत में जाने नहीं दे रहे हैं। इतना कहना था मेरे रसूल पाक फरमाते तू कौन है? वो कहता है या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरे पास कोई सबूत है मुसलमान होने का? मेरी सैयदजादियां बेटियां तुम्हारे घर चली गई थी तो तू सर्टिफिकेट पूछने लगा था, तू ये पूछने लगा था तेरे पास सबूत है कि नहीं है, जा चल दौड़ जाए यहाँ से निकल जा, तेरे लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है दिल की दुनिया बदल जाती है, वो तड़प जाता है, समरकंद के गलियों में दौड़ दौड़ कर ढूंढने लगता है वो सादात का घराना कहाँ चला गया। गली गली में कूचे कूचे में सबसे कहता है वो सैयद घराना जो बलख से हिजरत करके आया था वो कहाँ चला गया है। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, शाम को पता चलता है उस यहूदी के घर पर आराम कर रही है। दौड़ते हुए जाता है और यहूदी से हाथ जोड़ के कहता है भाई तुमने उनके ऊपर जितना खर्चा किया है उसके 11 गुना मुझसे ले ले, मगर सादात का घराना मेरे हवाले कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब ये बात उस यहूदी ने कहा कि कल अगर आते तो कोई और बात होती है, अब और बात होती, आज कोई और बात हो गई है, चल दौड़ जा मेरे घर से निकल जा। वो शख्स मुसलमान अपने आप को कहने वाला कहता भाई तू तो गैर मुस्लिम है, तू तो यहूदी है, तेरा क्या ताल्लुक। वो शख्स गुस्से में कहता है जा दौड़ जा कल आ
बताता तो कोई और बात होती जो तूने रात में सो करके ख्वाब देखा है। कसम खुदा की मैंने जागती आंखों से तुझे जन्नत से निकलते हुए देखा है। जा दौड़ जा, कल आता तो कोई और बात होती। हाँ, तुमने किसी मुफ्ती के हाथ पर हाथ रख के कलमा पढ़ा होगा, तुमने किसी आलिम के हाथ पर हाथ रख के कलमा पढ़ा होगा, मगर कसम खुदा की कल रात को मैं मुस्तफा जाने रहमत पर हाथ पे हाथ रखकर कलमा पढ़ के मुसलमान। ये अहले बैत से मोहब्बत करने का तरीका है। आज हमने जो तमाशा बना कर रख दिया है अपने कौम का, बहन बेटियों का जो तमाशा बना कर रख दिया है, कसम खुदा की अगर वो मैं से कहना चाहूं तो मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं मैं आपको बयां कर सकूं। मैं बस एक शेर के जरिए से बताना चाहता हूं कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। अगर आप हुसैन मोहब्बत करने वाले नहीं है तो आपका कोई अमाल काम नहीं आएगा। बहरहाल वक्त की बड़ी तंगी है, मुझे पहले ही खड़ा कर दिया गया था कि मैं थोड़ा बहुत बोल लूं। बहरहाल अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं जो मैंने बातें बोली है उस पर बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर बोलने में मेरी कोई गलती हो गई है आप तमाम हजरात को मैं गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबी इलैही। और जो आप हजरात सुने हैं मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें नमाज़े पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हसन व हुसैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।